लोहरदगा युवा कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में पावरगंज स्थित सुभाष चौक लोहरदगा में मोदी सरकार की युवा विरोधी अग्निवीर योजना के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन एवं केंद्र सरकार का पुतला दहन जिला उपाध्यक्ष विशाल डुंगनू के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश प्रभारी सह राष्ट्रीय सचिव श्री दीनबंधु शर्मा एवं युवा प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज विशेष रूप से उपस्थित रहे। विरोध प्रदर्शन के क्रम में प्रभारी दीनबंधु शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार युवा विरोधी सरकार है, जो अग्निपथ योजना के माध्यम से युवाओं को ठगना चाहती है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। उन्होंने समय समय पर उन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून, किसान कानून लाया जो जन विरोधी था, इसलिए उन्हें इन कानूनों को वापस लेना पड़ा। उसी तरह आज उन्होंने अग्निपथ योजना लाया है, जिससे देश के युवा आक्रोशित है और उन्हें यह कानून वापस लेना पड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज ने कहा कि मोदी सरकार जुमलेबाजी की सरकार चला रहे हैं। उन्होंने 2 करोड़ जनता का वादा किया था, लेकिन उन्होंने संविदा के तौर पर अग्निपथ योजना लाया, जिसमें सिर्फ 4 साल युवाओं को सेना में नौकरी करने का मौका मिलेगा। यदि कोई युवक का पिता नौकरी पर है तो उसे अपने पिता से पहले रिटायर कर जाएगा और ना उसे कोई पेंशन ना कोई रैंक मिलेगा। जिस तरह से युवा कांग्रेस हर एक मुद्दे को लेकर के सड़क पर उतरती है, सदन पर जाती, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में युवाओं को छलने का काम मोदी सरकार ने किया है और ये अग्निपथ योजना को ला करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं और देश के जितने भी सैनिक हैं उनके गरिमा के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। युवा कांग्रेस उनके इस योजनाओं का पुरजोर विरोध करती है। जिस तरह से 4 साल रोजगार और उसके बाद किसी भी तरह का पेंशन नहीं, किसी भी प्रकार का रैंक नहीं, पुराने जितने भी सैनिकों के सम्मान के लिए पिछले सरकार ने रखा था उन सारी चीज़ों का ये हटाना चाहते हैं। युवा कांग्रेस उनके सारी योजनाओं का पुरजोर विरोध करती है, उनकी नीतियों का विरोध करती है। जिस तरह से उनको भूमि अधिग्रहण कानून में वापस जाना पड़ा था, किसान विरोधी कानून में वापस जाना पड़ा था, इस युवा विरोधी कानून में भी आपको वापस जाना पड़ेगा। युवा कांग्रेस इसका पुरजोर देश भर में विरोध कर रही है, करती रहेगी और युवाओं के साथ खड़े रहेगी। विशाल डुंगलू, युवा कांग्रेस। अग्निपथ योजना का विरोध किया गया है, यह विरोध विशाल डुंगलू के नेतृत्व में हुआ है। इसमें प्रभारी हमारे राजस्थान से चल के आए हुए दीनबंधु जी है और यहाँ के स्थानीय नेता और उड़ीसा के प्रभारी अभिनव सिद्धार्थ जी है और पूरा प्रदेश कमेटी इस लड़ाई को प्रत्येक जिला में लड़ रहा है। हमारे सारे युवा कांग्रेस के लोग जिस तरीका से युवाओं को डराया धमकाया जा रहा है कि अग्निपथ योजना का विरोध करते हो तो इतना केस डालेंगे कि तुमको प्राइवेट जॉब भी नहीं मिलेगा, इस तरह का जब कायराना हरकत सरकार की तरफ से हो रही है तो युवा कांग्रेस और कांग्रेस का दायित्व बनता है कि पूरे देश के अंदर में और खासतौर से झारखंड राज्य में हम लोगों को जगाएं और बताएं कि किस तरीका से नौजवानों को छलने और ठगने का प्रयास मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है। ये सरकार वही है जिसने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे और आज बोलता है कि 10 लाख रोजगार 2 वर्षों में देंगे और वो भी रोजगार देंगे 72 वर्षों के लिए और वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। इस देश के अंदर में जो मजाक चल रहा है नौजवानों के साथ, इस देश के अंदर में जो जवानों के साथ मजाक चल रहा है, इस देश के सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हुआ किया जा रहा है, इसके खिलाफ युवा कांग्रेस सड़कों पे है और इस तरह का प्रदर्शन करके मोदी सरकार को चेताना चाहती है कि अति शीघ्र इस कायराना योजना को वापस लीजिए, अन्यथा लोग आपके खिलाफ आएंगे और आप जो घमंड में है आपको सत्ता से बेदखल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इसमें यूथ कांग्रेस की ओर से आज अग्निपथ योजना का पुतला दहन कर विरोध किया गया। पूरे देश में बहुत बड़ा अराजकता का माहौल है। पहले किसानों के साथ धोखा किया, किसानों के 3 काले कानून लाए, जब किसान आंदोलन हुए तो तरह तरह के किसानों के बारे में कहा गया, ऐसे ही फिर उनको अपनी मुँह की खानी पड़ी और किसान आंदोलन वापस ले, किसान बिल वापस लेने पड़े और इसी प्रकार युवाओं के लिए अग्निपथ जैसी कुठाराघात करने वाली योजना, युवाओं को हितों से को तोड़ने वाली योजना का दिया तो 4 साल में युवा क्या कर पाएगा? 4 साल का युवा 21 साल की उम्र के बाद रोज नौकरी करने के बाद बेरोजगार हो जाएगा और वो सिर्फ हथियार चलाना सीखेगा। हथियार चला के क्या क्या संदेश देना चाहते हो कि देश को किस ओर ले जाना चाहते हो? आज 21 साल का युवा, अब मोदी जी के घर में तो कोई सैनिक है नहीं, न अमित शाह जी के घर में सैनिक, वो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। बीजेपी का नेता कहता है रिटायरमेंट के बाद बीजेपी कार्यालय के बाहर गार्ड की नौकरी के लिए, देश के सैनिक के नाम पे हमारा सीना चौड़ जाता है गर्व से कि ये सेना का जवान है, हम उसको
सीध झुकाते हैं उसकी तरफ, आप उसको गार्ड की नौकरी लगा रहे हो अपने तरफ। बड़े शर्म की बात है, इन लोगों को तुरंत प्रभाव से अग्निपथ योजना को वापस लेना चाहिए। जिस प्रकार युवाओं के अग्निपथ योजना का विरोध करने वाले युवाओं के खिलाफ पुलिस के मुकदमे या तरह तरह धमका कर खत्म करना चाहते हैं, ये खुद 2024 में खत्म हो जाएंगे। देश में कोई बर्बाद करना चाहते हैं, देश के युवाओं के हितों को खराब करना चाहते हैं और सब युवा इनके खिलाफ है। या तो ये वापस ले अग्निपथ योजना को, न 2024 में भाजपा सरकार को केंद्र से उखाड़ने का काम करें। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।